नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएलपी खबर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। ना पक्ष ना विपक्ष, केवल निष्पक्ष। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ब्रेकिंग न्यूज छतरपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में गुलगंज थाना प्रभारी आशुतोष छेत्री की बड़ी कार्रवाई। ग्राम राजपुरा में हुई हत्याकांड का खुलासा किया। हत्यारोपी गौरी शंकर राजपूत गिरफ्तार। आरोपी महिला के साथ करना चाहता था बलात्कार, लेकिन विरोध करने पर गला दबाकर गौरी शंकर राजपूत ने की थी महिला की हत्या। उसके मासूम बच्चे रोने लगे तो हत्या आरोपी ने लोहे के हसीये से उन पर कर प्रहार कर दिया, जिससे घायल बालक टिंकू यादव को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज व बालिका प्रिंस यादव को जिला अस्पताल में भर्ती कर किया गया था। इलाज के बाद दोनों स्वास्थ्य गुलगंज थाना प्रभारी ने बताया कि गौरी शंकर राजपूत के द्वारा महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया था। इस दौरान महिला ने विरोध करते हुए हत्यारोपी की गर्दन नाच मुंह नोच लिए, जिससे गुस्से में आकर गौरी शंकर राजपूत ने महिला की हत्या कर दी थी। अंधी हत्याकांड का खुलासा करने में इनकी प्रमुख भूमिका। गुलगंज थाना प्रभारी आशुतोष क्षेत्रीय ईशानगर, थाना प्रभारी गुरदत्त सेसा, बंदी चौकी प्रभारी आकांक्षा शर्मा, सहायक उप निरीक्षक दौलत सिंह, प्रधान आरक्षक कैलाश राजपूत, मुकेश कुशवाहा, रूपेश खटीक, प्रवेश तिवारी, आरक्षक सतीश कृष्ण प्रताप सिंह, दानिश अली, सुरेश अहिरवार, साइबर छिल, छतरपुर प्रभारी सिद्धार्थ शर्मा, प्रधान आरक्षक किशोर रेकवार, आरक्षण धर्मराज पटेल, विजय सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। छतरपुर जिले के थाना गुलगंज अंतर्गत 6 फरवरी की दरमियानी रात एक सूचना प्राप्त हुई थी, जहाँ पर फरियादी हरलाल यादव के द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी पर हमला हुआ है। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया और जितने भी भौतिक साक्ष्य थे और टेक्निकल साक्ष्य सभी को एकत्रित करना चालू किया। FIR जो थी 302-307 में अज्ञात लोगों के विरुद्ध थी और इसमें 376 की धारा का भी इजाफा हुआ था। इसमें जो आरोपी है उसको आज अभिरक्षा में लिया गया है और ये पूर्व से ही जो मृतिका का पति है उसका अच्छा जानकार था, अच्छा मित्र था और कहीं ना कहीं उससे संबंध बनाना चाहता था और अवैध संबंध बनाने के प्रयास में ही इस घटना को उसने अंजाम दिया। सर, बच्चों पर भी हमला हुआ था, बच्चे का कारण? जी, इसमें बच्चों पर हमला हुआ था क्योंकि वो घटना दिनांक और घटना समय के आसपास ही थे और उनको ये डर था कि कहीं किसी को आवाज़ देके बुला ना ले, तो उन पर भी हमला किया। पर जैसे ही उसको लगा स्थिति परिस्थितियाँ उसके संयम से या नियंत्रण से बाहर जा रही हैं तो वो वापस से घटनास्थल से फरार हो। घटना के दिन उसके घर कैसे पहुँच गया? घटना दिनांक को वो जो मृतिका का पति है उसके साथ ही बैठकर एक ट्रैक्टर खरीदा गया था, उसकी एक पार्टी वो कर रहा था, उसमें कुछ बहाना बता के वो कुछ समय के लिए निकल के आया, जहाँ पे वो जो मृतका है उसके घर पर आया, वहाँ पे छत के रास्ते से नीचे उतर के आया, प्रयास किया और जैसी स्थितियाँ बिगड़ी तो वहाँ से इस घटना को अंजाम देके वापस भाग गया।